हाँ जी, अब आ जाओ मैथ्स में। अभी मैथ्स में हमें ये नहीं पता कि ज्यादा मैथ्स करना है कि ज्यादा लॉजिक करना है कि ज्यादा डीआई करना है कि क्या करना है। सी यहाँ पे ये लास्ट ईयर का पैटर्न है 2021 का। मैथ्स इज 35 मार्क, 30-40 मार्क्स एंड डी आई डी एस इज 10 मार्क्स, जबकि लास्ट ईयर तक दिस वॉज 35 मार्क्स एंड दिस ऑल यूज टू बी 15 मार्क्स। तो क्यों, कितने मार्क का आएगा हमें नहीं पता, हमें सब करके जाना पड़ेगा। तो क्वांट सेक्शन, अगेन आइडियल टाइम फॉर द सेक्शन इज 40 मिनट्स, 40 मिनट आइडियल टाइम। अमीर आदमी 25+ इज अमीर, आम आदमी जिसका अराउंड 18 के आजू बाजू है एंड गरीब आदमी जिसका 12 के नीचे। टाइम 40 मिनट, 40 मिनट के ऊपर जितना तुम लगा रहे हो विनीत यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जिसका 25 पार हो गया सफास तू। अभी तुम्हें क्या करना है, 25 और आम आदमी को अगेन सेम चीज, एक एक में अंदर घुस घुस के, एक एक के अंदर घुस घुस के हैव टू अटैक हायर मैथ्स। लास्ट ईयर सीईटी में हायर मैथ्स पहली बार आया, अलजेब्रा, एपी जीपी सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, कॉर्नर ज्योमेट्री एंड हायर ज्योमेट्री। ये मेरे को लग रहा है कि इस बार अगर उन्होंने रिपीट किया तो 15 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। देन अर्थमेटिक 15 क्वेश्चन एंड अदर मैथ्स, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी 15 मार्क्स, 10 मार्क्स। ये आपका सीईटी का पूरा ब्रेकअप। एग्जैक्टली ठीक है। तो जब भी आप मैथ्स का, जो तो गरीब आदमी है तो पहले तो भैया पढ़ना पड़ेगा, जो गरीब आदमी है आप स्टेप बाइज जाओ। यू हैव इतना टाइम अपने पास यार, मैथ्स में अगर तुम्हारे पास ये 20 टॉपिक भी है टोटल, ये कितना होगा, मेरे ख्याल से अराउंड 20 होगा, ये 20-25 टॉपिक है। 20 टॉपिक में हम लेके चलो, मोटे मोटे 20 टॉपिक, तो अपने को पूरा करने में 40 दिन लगेगा, 2-2 दिन लगाऊं मैं। अगर तुम 30 टॉपिक लेके जाओ, 60 दिन, 2 महीने वी कैन कंप्लीट एंड वी स्टिल कैन रिवाइज अगेन। उसके बाद स्टेप नंबर वन, ओनली डू सॉल्व एग्जाम्पल। हाँ भाई, गिव मी अ शाउट, गरीब बच्चा है कोई यहाँ पे, एनीवन हु इज सुपर गरीब, 12 के नीचे वाला, 12 के नीचे वाले कौन है यहाँ पे? पूर्णिमा, जीत, आहान, अनिकेत, गौरव। गौरव, कैन यू डू सॉल्व एग्जाम्पल? अनिकेत, कैन यू ओनली डू सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ एवरी चैप्टर? आप हर चैप्टर का सॉल्व एग्जाम्पल करके जा सकते हो। ठीक है, स्टेप नंबर वन, जिस जिसने लास्ट ईयर सीईटी का पेपर दिया था, मैं आई कैन बेट विद देम के सॉल्व एग्जाम्पल के लेवल के 33% ऑफ द पेपर, 1/3 ऑफ द पेपर वॉज एज इजी एज सॉल्व एग्जाम्पल। ये मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जिसने लास्ट ईयर सीईटी दिया था वो बता सकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल था। तुम्हारा आधा प्रॉब्लम इज मैथ्स का डर, ट्रस्ट मी, मैथ्स इतना ड्रामा नहीं है, तुम्हारा डर मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा है। इसके लिए मैंने अगले हफ्ते से आई एम टेकिंग अप मैथ्स, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टेक मैथ्स, सॉल्व एग्जांपल ऑफ एवरी चैप्टर। हाँ, बुक में है भाई, बस मैं अभी जोश में आ गया, करना कहां से, बुक में है क्या? हाँ है। सॉल्व एग्जाम्पल मतलब कौन से? अच्छा, कैसे बताऊं मैं अभी, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं 15-20। मेरे पास कोई बुक पड़ी है कि मैथ्स की, हायर मैथ्स जो सामने पड़ी है मेरे पास, ठीक है। मैंने ये कौन सा चैप्टर खोला है, एलजेब्रा का, एलजेब्रा के चैप्टर में ओहो नंबरिंग नहीं दी हुई, बट देर आर 1, 2, 3 अप्रोक्सीमेटली 15-20 सॉल्व एग्जाम्पल, 20 सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, 20 सॉल्व एग्जाम्पल वी कैन डू, नंबर वन। नंबर टू, डे नंबर टू, अभी सेकेंड डे, ये क्लास अटेंड करने के बाद है, पहले क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड के बाद, नंबर टू है ये, ठीक है। पहले नंबर वन इज क्लास, सॉरी
सीधा फॉर एग्जाम्पल पे जाएगा, समझ नहीं आएगा, 5 मिनट और, उसके बाद वी आर स्टॉपिंग। नंबर वन, क्लास अटेंड करो, उसका जी स्ट्रेटजी एक बार देख लो जहां जहां पे है। नंबर टू फॉर एग्जाम्पल, नंबर थ्री 30 क्वेश्चन। गाइज इफ यू कैन डू दिस थिंग फॉर 3 डेज एवरी वीक, एक दिन, डे वन डे टू डे थ्री। टॉपिक नंबर टू, डे वन डे टू डे थ्री, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड मार्क्स। अगर आपको मेहनत करने से डर है तो भैया मैं आपको कुछ नहीं कर सकता फिर। ये 3 चीज आपको करनी, कैन यू डू दैट फॉर मी? 30 टॉपिक है, 90 डेज में पूरा सिलेबस खत्म। तुम्हारा सीईटी गया बेटा, तेरा कैट की तैयारी हो गई। हाँ, एग्जाम में कुछ भारी भरता क्वेश्चन आ गया तो वी कांट डू, अपना इतना काम तो करके जाते हैं, बाद में जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस जर्नी टू कीप यू मोटिवेटेड, मेरा काम है वो। अरे करण, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए तो उनको छोड़ देंगे यार, उसको छोड़ देंगे। जय माता दी का अक्कड़ बक्कड़ करना आता है अपन को। हम ये करके जाएंगे। हाँ, जो आम आदमी और अमीर आदमी है वो उसको इसका पूरे का ब्रेकअप चाहिए। द मोमेंट यू फिल दिस टेबल, किस टॉपिक में तुम्हारा कितना मार्क आ रहा है, तुम्हें इमीडिएटली आईडिया आ जाएगा तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, तेजस भूल जाओ उसको, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ओके, ये आ गया आपका पूरा मैथ्स का ब्रेकअप। आइडियल टाइम इज 40 मिनट, 40 का 45 हो सकता है, 40 का 60 नहीं हो सकता। ठीक है जी।